कंडीशन में ना जी, ये देख सकते हैं गाइस, ये रहा स्कॉर्पियो। गाइस अभी देखिए जीजा जी जा रहे हैं राइड करने, यहाँ पर फूट गया और अभी रो रहे हैं गाइस। बेटी लोग, भैया लोग, सब लोग मिलके रोपाई कर रहे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 9:10 एंड गाइस अभी मैं नहा वहा कर सो बिल्कुल फ्रेश हो गया हूं। और गाइस आज उठने में काफी लेट हो गया तो उसके लिए सभी से सॉरी बोल रहा है। और गाइस रोज मैं सुबह उठ जाता था लेकिन आज लेट हो गया क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा था, यहां से ऐसे जोर से गाइस बहुत दर्द हो रहा। और आज बहुत खुशी की बात है, हमारे जीजा जी लेने वाले हैं कार, तो भाई साहब अभी हम लोग जाएंगे, आज कार लिया जाएगा, घर पे लाएंगे, चलाएंगे, ड्राइविंग करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। और गाइस यहाँ पे देखिए मम्मी जी पूजा वाला थाल लिए, तो गाइस सबसे पहले मम्मी जी का प्रणाम कर लेते हैं। खुश रहे बेटा, खूब सुखी रहे, खब तो हर लम्बा उम्र रखे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग से नहीं मिलती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, एक बात तो और है। अच्छा नहीं लगता मम्मी जी को, दामाद जी को गाड़ी खरीदाने जा रहा है। और गाइस यहाँ पे जीजा है, जीजा जी को भी प्रणाम करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग चल रहे हैं कार लेने भाई साहब, तो बहुत शौक है कार लेने घूमने का। आज को प्रणाम करते हैं, खुश रहो। तो पूजा कर चुकी, माता रानी भोलेनाथ से दुआ मांगती हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सुखी रहें, कुशल मंगल से रहें। तो भाई साहब अभी का सीन ऐसा है कि पूजा वगैरह हम लोग कर चुके हैं और भैया मम्मी से पैसा मांग रहे थे, मम्मी को ढूंढने के लिए उस घर पे चले गए और गाइस अभी गिर चुके हैं। गाइस क्या बता रहे, बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है, तो अभी मम्मी जी पैसा ले लिए और अभी जा रही है उनको पैसा देखने के। और गाइस अभी रो रहे हैं बाहर, तो गाइस देख सकते हैं अभी भैया को चोट लग चुका है, यहाँ पर फूट गया और अभी रो रहे हैं। गाइस क्या बताया जाए यार, आप लोग को मतलब यार समझ सकते हैं, बोलते हैं दीपू भाई अब ऐसे क्यों करते हो यार, फैमिली में जब गाइस ऐसे होता है तो बहुत बुरा लगता है। और देखिए अभी भैया का फूट चुका है, लीलार वगैरह फूट चुका, कहाँ गिरे, कहीं गिर गया ना जाकर, वो द्वार पर गिर गया। तो दिखे मम्मी पैसा दे रही हैं, क्या कीजिएगा पैसे का, नहीं ले रहे हैं गाइस, देखिए नाराज है। जो हम तो 50 देती हैं तो फेंक कर चले जाते हैं। दे 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 दे। गाइस क्या बताया जाए भैया जी, काम वगैरह भी नहीं कर पाते हैं और सब फैमिली का खर्चा हमको ही देखना पड़ता है, तो भाई साहब यही सब बातें हैं, बाकी भैया को मनाते हैं किसी तरह। तो भाई साहब आ गए हम लोग, ये भी अपने रिश्तेदार हैं और हमारे भैया के ससुराल के गांव के रहने वाले हैं, इनका ही गाड़ी लिया जाएगा। बाकी देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं घुमाने के लिए, चल रहे हैं स्कॉर्पियो, कंडीशन में ना जी, ये देख सकते हैं गाइस, ये रहा स्कॉर्पियो, चलते घूमते आइए बैठते हैं। तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, बाकी जीजा जी को पसंद आता है कि नहीं आता अब इनको ही पता। अच्छा लग रहा है, अच्छा तो कंडीशन देख रहे हैं भाई, गाड़ी चल रही है। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं, बाकी जब भैया अभी राइड कर रहे हैं जबरदस्त। अभी देखिए जीजा जी जा रहे हैं राइड करने, देखिए अभी पूरा हिला दे रहे हैं भाई, बाइक बोल रहे हैं स्कॉर्पियो के, ध्यान दीजिएगा भैया, पता चला हम लोग चले रहे हैं खेत में, कब भैया गाड़ी देख रहे चले हॉस्पिटल में चला लेते रहे हैं। तो गाई जी आ चुका मस्त चाय और अभी हम चाय के मजे ले रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं इधर है भाई साहब भी है, यार देखिए तीनों पौना लोग बैठे हैं, पूरा चाय के मजे ले रहे हैं। तो भाई साहब गाड़ी वगैरह तो हम लोग देख कर आ चुके हैं एंड यहाँ पर देखिए दोनों चंगू मंगू मेरे बेटे का इंतजार कर रहे हैं। चाची चली गई, कार्टून देख रहे हैं, देखिए। अच्छा चाची चली गई है तो कार्टून देख रहे हैं। और गाइस इधर छोटू है, छोटू बेटा तो गाइस इन लोग से तो मिल चुके हैं एंड यहाँ पे मुझे एक प्रसाद मिला है गांव में से, एक अंकल जी हैं वो गए थे हरिद्वार तो उनके घर से आया है और चलते हैं मम्मी जी को देते हैं, मम्मी जी तो रात दिन काम ही कर रही हैं, काम पे लगी पड़ी हुई हैं। तो गाइस अंदर आ चुके हैं और अंदर आइए, जैसे आइए पूरा अंधेरा हो जाता है, जी को प्रसाद देते हैं लीजिए, कोई आए थे हरिद्वार गए थे अंकल जी तो वहीं से आया। और गाइस देख सकते हैं मम्मी जी बर्तन वगैरह माँच चुके हैं, अभी जाने वाला मार्केट, क्या क्या खरीदेगा आज, 10 रुपए का घेवड़ा, 10 रुपए का भिंडी लेकर आना, पैसा नहीं है जाओगे क्या क्या लोगे बताओ, 10 रुपए के भिंडी, 10 रुपए घेवड़ा,
लौकिया कौन लेगा जी? तो गाइस इनसे मिली हमारी दादी जी आई है गांव में, और मम्मी जी इधर देखिए किराना स्टोर का सामान वगैरह उसको रख रही है। सोबिन भी इतना ज्यादा सोबिन, ये छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि तो सब्जी नहीं है, देखो ये सोयाबीन, देखो तेल, देखो और दादी बेसन, देखो ठीक बालू, ठीक इसी इधर देखिए आशीर्वाद दीजिए जो वीडियो देख रहे हैं, ये मसाला देखो। तो हमारे बड़ी बहू कह रही है कि हम खाना नहीं बनाएंगी, कुछ नहीं, उनका बात क्या, छोड़िए मम्मी, उनको इतना समझ रहा था दादी तो करती नहीं, तेल भी है, तेल को कमी नहीं है, देखो। अरे अब है तो आप देखिएगा, घर पे आ चुका ना तो मम्मी जी पूरा दिखा रही है, नहीं रहता तो नहीं दिखाती है। अभी देखिए मम्मी जी मेरी कितनी होशियार है, और देखिए दीदी जी देखिए, दीदी जी को लग रहा है अभी कुछ हो गया, कुछ काम नहीं करती वो आलसी। तो गाइस देखिए अभी रितेश भी बोल दिया बहुत आलसी। तो गाइस अभी देखिए बड़ी मम्मी सफाई कर रही है पूरा एकदम, यहाँ पे सांप वगैरह आ जा रहे हैं सब, तो अभी सफाई चल रहा। कितने दिन के बाद कर रही है यहाँ पे सफाई? और गाइस देखिए मम्मी एकदम थक गई है, खेत का काम हो गया। तो गाइस देखिए मम्मी जी हमारे कैमरा पे शर्माती है, बोलती उलती नहीं है, काहे बोल लू ना। देख सकते हैं अभी एकदम फुल शर्मा गई है, फोन कर दी काम नहीं आ गई, बोलती क्यों नहीं बताइए? शर्म लगा हमें। आई साहब मेरा तो लग चुका है एकदम, देखिए हंसुआ था यहाँ पे, नेल कट गया पूरा, अरे बाप रे बाप, गाइस एकदम कट चुका जबरदस्त। ये देखिए मलहम आ चुका है, लगाते हैं। ये भी ब्लॉग नहीं आ पा रहा क्योंकि धान की रोपनी हो रही है, एंड गाइस जो भी ब्लॉग आज जा रहा है थोड़ा बहुत आप लोग देखिएगा, बाकी गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी जी अभी ये जो है धान का बीज जो बिया तैयार हो चुका है। जो आप लोग कैसे हैं, खूब अच्छे से रहना, खूब हमारे बच्चे सब सुखी रहना। हम लोग तो देखो आज तो खेती के काम कर रही हैं, ये तो बिया कैसे ऐसी रोपाई होगा। गाइस देख सकते हैं इतना सारा बिया कटा गया, रोपनी वाला स्पेशल ब्लॉग आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। बाकी गाइस जो भी आप लोग देख रहे हैं भाई को प्यार दुला दीजिएगा, यार क्या कीजिएगा, किसानी का टाइम है तो गाइस करना होता है ना, क्योंकि हम लोग करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। वैसे पिछले साल तो सब बर्बादी हो गया था, सब गल गया था, धान पूरा गल गया था गाइस, इतना बारिश आया था, इतना बारिश आया था, पूरा धान गल गया, खेती गायब हो गया। लेकिन तो माता रानी का कृपा रहेगा तो असो तो पानी नहीं लगा है खेत में। और गाइस देख सकते हैं क्या हाल हुआ है, हमारा हाल देखो, मम्मी जी का भी हाल देख सकते हैं, और आज दीदी जी भी काम कर रही है, रोजाना तो नहीं काम करती थी बट आज कर रही है, देखिए गाइस लगता है पेंटिंग हुआ है। गाइस ये भी देखिए रोपाई स्टार्ट हो चुका है, आंटी लोग भैया लोग सब लोग मिलके रोपाई कर रहे हैं, मैं आप लोग को ब्लॉग दिखाऊंगा रोपाई वाला। तो गाइस चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंट कर देते हैं, तो भाई को भी देखिए कैसे हो चुका है। तो गाइस वीडियो देना तो इम्पोर्टेंट है, कल ब्लॉग नहीं आ पाता इसके कारण तो माफी चाहते हैं। बाकी गाइस उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर भाई के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अरगंज जिले के एक छोटे से गाँव का रहने वाले इस भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव का रहने वाले इस दीपू को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग सपोर्ट करके मुझे खूब आगे बढ़ाइए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, लव यू ऑल।